setiap जो भी नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है आप उसे अच्छी तरह से स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है ना। बहुत जल्द आपको क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो आपको लगभग जितना पढ़ा दिया गया है प्लीज़ आप उसको प्रिपेयर करके ही आइएगा, ठीक है। कल की टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, वंद्यता, ठीक है ना, इनफर्टिलिटी। कल की टॉपिक हमारी क्या थी, वंद्यता, इनफर्टिलिटी। इसमें हमने क्या जाना था कि कुछ इस प्रकार की स्त्रियां होती हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार की स्त्रियां होती हैं जो बच्चे उत्पन्न करने में असक्षम होती हैं, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, बांझ कहते हैं। लेकिन हाँ, उनके अंदर जो बच्चे न उत्पन्न करने की जो अक्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, बांझपन कहते हैं, ठीक है। कब उनको हम बांझ करते हैं, जब वो बच्चे न उत्पन्न कर पाते हैं, तो उस प्रोसेस में हम उसको उस स्टेज में हम उनको क्या कहते हैं, बांझ करते हैं। और लेकिन वो जब बच्चे न उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उनके अंदर, तो उनके अंदर वो क्षमता नहीं होने के कारण ही तो वो बच्चे नहीं उत्पन्न करते हैं, नहीं कर पाती हैं। तो वो प्रोसेस जब उनके अंदर बच्चे न उत्पन्न करने की जो अक्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, बांझपन कहते हैं। आज उसी के क्रम में हम जानेंगे कि एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक क्या होती है, जिसको हम शॉर्ट में ART के नाम से जानते हैं, क्या, एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ठीक, या उसको टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। तो जैसे में क्या हो गया कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या होते हैं, जो आजकल की तो बहुत साइंस इतनी ज़्यादा डेवलप कर चुकी है कि जो बच्चे नाभि पैदा कर सकें उनके अंदर भी इस जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इस तरह के कुछ एक्ट आ चुके हैं, जिसके माध्यम से क्या है कि आसानी से उन्हें मतलब उनको बच्चे उत्पन्न कराया जा सकता है, ठीक है। बस उसमें प्रोसेस क्या होती है कि हाँ, कुछ ही अलग से जैसे पात्र निषेचन हो गया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी उसी को कहते हैं, तो इन सारे माध्यम से वो थोड़ा सा माँ के गर्भ से हट करके होता है। पहले उसको एक फ्लास्क में, ठीक है ना, एक ट्यूब में क्या करते हैं, मादा के तथा किसके मेल पर्सन और फीमेल पर्सन से इनके अंदर से अंडाणु और शुक्राणु को लेते हैं, उसमें रख देते हैं, उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, उसके बाद जब वो एट कोश की संरचना में भ्रूण का जब निर्माण कर लेते हैं, उसके बाद वो मादा के योनि में या कह लीजिए मादा के गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है। इस तरह से कुछ कराया जाता है, पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद, ठीक है ना, कल मैंने इस चीज़ों को आपको बता दिया है, ठीक है ना। ये जो होती है बच्चे का उत्पन्न करने की जो प्रोसेस होती है, वो ये नहीं है कि मतलब सिर्फ स्त्रियों में ही इस तरह की कंडीशन हो, नहीं, इस तरह की कुछ मिस्टेक जो होती है पुरुषों में भी हो सकती है। जैसे स्त्रियों में हो गया कि फैलोपियन ट्यूब जो होती है, फैलोपियन नलिकाओं की संरचना में जो होती है त्रुटि, ठीक है, उनकी संरचना में त्रुटि होने के कारण भी वो उनके अंदर जो होते हैं वो गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं, ठीक है। और भी अनियमित अंडोत्सर्ग, मतलब अनियमित इरेगुलरिटी क्रम में उनके अंदर अंडों का उत्सर्जन होना, ठीक है, ये प्रोसेस भी कुछ हानिकारक रह सकता है। इस कंडीशन में भी वो उनके अंदर निषेचन की प्रोसेस नहीं हो पाती है, ठीक है ना। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि पुरुषों के अंदर भी ये क्रियाएँ होती हैं, पुरुषों के अंदर क्या होती हैं कि उनके जो वाश डिफेंस होते हैं, वाश डिफेंस का ब्लॉक होना, ठीक है, तो ब्लॉक हो जाएगा तो वहाँ से शुक्राणु निकल ही नहीं पाएंगे, जो शुक्राणु नहीं निकलेंगे तो फिर निषेचन की तो कोई मतलब क्रियाएँ बनी नहीं रही हैं, निषेचन होने का कोई मतलब वो बनी नहीं रहेगा, निषेचन नहीं होना ही होना है। जब शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु तो मेल से अरे अंडे से फर्टिलाइज होते हैं, उसके बाद ही तो उनके अंदर निषेचन की जो क्रियाएँ होती हैं, तो जब उनके अंदर वाश डिफेंस ही ब्लॉक हो गए तो क्या होगा आखिर, एक जैसे वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें क्या होते हैं कि उनकी वाश डिफेंस को कट करके बांध दिया जाता है। क्यों बांधा जाता है, क्योंकि जो होते हैं कि शुक्राणु वहाँ से निकल ना पाए, ठीक है ना, शुक्राणु को वहाँ
वहाँ रोकने के लिए ट्यूबेक्टॉमी फैलोपियन ट्यूब को कट करके क्यों बांध दिया जाता है, क्योंकि वहाँ से अंडाण क्या हो बाहर ना निकल पाए, ठीक है। और जब बाहर नहीं निकलेंगे तो निषेचन क्रिया भी नहीं होगी, ठीक है ना, ये प्रोसेस होती है। इस वजह से वो वासेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी टेक्निक को अपनाया जाता है। जैसे कि पुरुषों में आप जान लीजिएगा, पुरुषों में भी आपको बता दिया मैंने कि उनकी वाच डिफेंस जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो ये क्रियाएँ भी कभी कभी क्या मतलब अब उनके अंदर भी क्रियाएँ होंगी तो लोग स्त्रियों को ही दोष देते हैं। बहुत सारे समाज में इतनी सारी प्रक्रिया है उसको सुधारने की काफ़ी ज़रूरत है। और जैसे हो गया कि पुरुषों में होता है कि एलर्जी, शुक्राणुओं में एलर्जी, ठीक है ना, शुक्राणुओं से क्या होती है एलर्जी होना शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी क्या होते हैं शुक्राणु फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो यही सारी टेक्निक के द्वारा अगर बच्चे नहीं उत्पन्न होते हैं तो काफ़ी सारी स्त्रियों की काफ़ी हेल्प होती हैं। बट उसके लिए क्या है, एक तकनीक है सहायक जनक प्रौद्योगिकी, इसके माध्यम से मतलब इनमें कई इस तरह के प्रोसेस हैं जिसके द्वारा क्या होते हैं आसानी से बच्चे उत्पन्न किए जा सकते हैं। देख लीजिएगा इसमें क्या क्या रहा है कि वे तकनीक जिसके माध्यम से कह रहे हैं कि वे तकनीक जिसके माध्यम से पांच दंपत्ति भी, कौन से दंपत्ति, पांच दंपत्ति, पांच तो अभी मैंने बता दिया ना कि उन्हीं लोगों को बोला जाता है जो बच्चे उत्पन्न ना कर सके। तो पांच दंपत्ति भी बच्चा उत्पन्न कर सके उस तकनीक को क्या कहते हैं, एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्निकलॉजी, ठीक है, क्या, एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्निकलॉजी, ठीक है ना। इसके अंतर्गत आपको दिख रहे होंगे कि कई मेथड हैं, कई विधियां हैं जिसके द्वारा, कौन कौन सी विधियां हैं। सबसे पहला ज़्यादातर आपको क्या मिलेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, जिसे हम पात्र निषेचन के नाम से भी जानते हैं। ये विधियाँ सबसे ज़्यादा अपनाई जा रही हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका सेकंड क्या है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। आपका ये जितना भी मैंने लिखवाया है एक नंबर में आपका पूछ सकता है, शॉर्ट नेम दे देगा, पूछेगा इसका फुल नेम बताइए तो आपको बताना होगा, IVF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, इन विट्रो आगे बोलिएगा फर्टिलाइजेशन, नाम क्या मैंने एफ नहीं रखा है, ठीक है ना। उसके बाद आपका GIFP का पूछ दे या ZIFP का पूछ दे या AIP का पूछ दे, तो सारे नाम आप यहाँ मैंने लिख रखा है और आप अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा, पूरी तरह से तैयार रखिएगा, ठीक है। तो GIFP देख लीजिएगा नाम से क्या क्लियर हो रहा है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, मतलब जो गैमेट होंगे उनको फेलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो गैमेट आखिर बनेगी किसके माध्यम से, टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से ना, या पात्र निषेचन के ही माध्यम से ना। उसके बाद क्या है आपका ZIFP, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। आगे क्या है आपका AIT, AIT क्या है, आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन टेक्निक, आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन टेक्निक, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका ICSI, ये भी ज़्यादा आपको मिलता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसको हम अब थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं, किसके माध्यम से होते हैं और इसमें क्या प्रोसेस होती है, ठीक है, क्यों इस विधियों को अपनाया जाता है, इसके बारे में क्यों जानना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को। जैसा कि आपको आपको पता ही है कि परख नलि शिशु तकनीक भी इन्हीं तकनीकियों में से एक है, तो ये आपका, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता ही है कि जो परख नलि शिशु तकनीक भी है इन्हीं में से है, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रथम शिशु का जन्म हुआ था स्ट्रेप्टो एंड एडवर्थ नामक वैज्ञानिकों के प्रयास से, ठीक है ना। किसके वैज्ञानिक का नाम है,
ट्रेप्टो एंड एडवर्थ। इन वैज्ञानिकों के प्रयास से ही टेस्ट ट्यूब बेबी को पैदा किया गया था, ठीक है ना। आगे हम देख लेते हैं कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी के माध्यम से, माँ बन सकती हैं, ठीक है ना। तो इनके जो ये प्रोसेस हैं, इस प्रोसेस के द्वारा या इस टेक्निक के द्वारा जो बच्चा पैदा उत्पन्न होता है, उस बच्चे को हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जान सकते हैं, या उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे पॉइंट वाइज सबको देख के चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं IVF क्या होते हैं, जिसको हम जो
संख्या कम होती है। क्या बोल रहा है ये उन पुरुषों के, एक मिनट, पुरुषों के वीर में शुक्राणु होगी, ठीक है ना, शुक्राणु होगी संख्या कम होती है। जिन पुरुषों में शुक्राणु की संख्या कम होती है, इसी वजह से उसमें क्या होते हैं कि निषेचन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, समस्या। शुक्राणु की संख्या क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना, शुक्राणु की संख्या कम होती है। या फिर ये कह लेते हैं कोई स्त्री ऐसी होती है जो गर्भ, जिनके अंदर क्या होते हैं कि गर्भ ही नहीं ठहरता हो, इस तकनीक के समान, सॉरी, इस तकनीक को सामान्य रूप से क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। मुझे लगता है आपको ये समझ नहीं आया होगा, प्लीज एक बार फिर से देखिएगा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता क्या है। दंपतियों के लिए है, सॉरी, उन दंपतियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिनमें पुरुष के वीर से, ठीक है, पुरुष के वीर से शुक्राणु की संख्या कम पाई जाती है, ठीक है, पुरुष के वीर में जो होती है शुक्राणु की संख्या कम होती है। या ये कह लेते हैं कि उनकी जो स्त्रियां होती हैं, फीमेल पर्सन जो होते हैं, उनमें गर्भ नहीं ठहरता है, तो इस तकनीक सामान्य रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ठीक है, इस तकनीक को सामान्य रूप से हम क्या कहेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो पुरुष हैं या उनके अंदर क्या है, शुक्राणु का कम पर्दा पाया जा रहा है, ठीक है, ठीक है ना। तो हो सकता है सारे शुक्राणु क्या हो, सक्रिय न हो, या ये कह लेते हैं जो स्त्रियाँ हैं उनके अंदर क्या है कि गर्भ ही नहीं ठहरता है। जब गर्भ नहीं ठहरेगा तो फिर निषेचन या फिर भ्रूण का बनना तो पाया ही नहीं जाएगा, तो उनके अंदर जो प्रोसेस अपनाई जानी होगी, या तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी को ही अपनाना पड़ेगा, पात्र निषेचन को ही, उसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, वहाँ बच्चे को आसानी से उत्पन्न करा सकेंगे। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि उत्पन्न कराने के लिए कि मेल पर्सन से, ठीक है, फीमेल पर्सन से जो होते हैं अंडाणुओं को ले लिया जाता है और मेल पर्सन से शुक्राणुओं को ले लिया जाता है। दोनों को क्या किया जाता है, कुछ टाइम के लिए एक ही प्लेस पे रख दिया जाता है, जिससे उनके अंदर क्या होते हैं, निषेचन, मतलब उनके अंदर निषेचन करा दिया जाता है, ठीक है ना। और निषेचन के पश्चात क्या होते हैं, जैसा कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, हमने बताया था ना कि 1 से बनेंगे क्या, 2, 2 से क्या बनेंगे 4, अभी इन 4 से क्या बनेंगे 8, ठीक है, 8 से क्या बनेंगे 16, 16, अब इन 16 से क्या बन जाएगा, 32। इस तरह से वो जो भ्रूण होते हैं जो निषेचन के पश्चात बने जायगोट होते हैं, वो क्या होते हैं, इस तरह से इतनी सारी कोशिकाओं में 2 से 4, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कोशिकाओं में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। उन कोशिकाओं में बढ़ने के बाद क्या कहते हैं, युग्मनज को, युग्मनज का निर्माण किया, और जो युग्मनज में उनको क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं या फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे आप देखिएगा जो निषेचन के पश्चात, मतलब पत्नी के अंडाणु और पति के शुक्राणु को फर्टिलाइज कराने के बाद, फिर उसके बाद जो होंगे प्रोसेस, एक कोशिकाएं जो बन चुकी हैं, उन कोशिकाओं के बाद जो युग्मनज का निर्माण हुआ, उस युग्मनज को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर जो कराया गया, ये सारी प्रोसेस अब यहाँ क्या कहलाएंगे, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर कहलाती हैं। आपको यहाँ थोड़ा सा नाम,
तरह से क्या हुई है, बढ़ती गई है। फिर आगे देखिएगा क्या कह रहा है कि जब उनके अंदर स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया फैलोपियन ट्यूब में, तो जो युग्मनस थे वो धीरे धीरे क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। और कुछ समय के पश्चात करें इस प्रक्रिया के द्वारा कुछ समय पश्चात जो गर्भाशय में युग्मनस बन रहे हैं वो क्या होंगे, गर्भ की अवधि जैसे ही पूर्ण हो जाएगी, जैसे ही वो गर्भ का टाइम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो स्त्री जो होती है वो एक समान बच्चे की तरह ही एक बेबी को जन्म देती है। ठीक है, जैसे समान शिशु को जन्म दिया जाता है समान स्त्रियां देती हैं, उसी तरह से वो फैलोपियन ट्यूब वाला बच्चा भी सेम उसी कंडीशन में पैदा होता है। ऐसा थोड़ी ना कि वो ट्यूब के माध्यम से पैदा किया गया या फिर उसको कृत्रिम रूप से पैदा कराया गया, तो ये सामान्य बच्चों से भिन्न होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस हूबहू सामान्य बच्चों की ही तरह का होता है। ठीक है, आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। एक बार पूरा फिर से देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बार बार आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे करते हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, या तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी पूछे या तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर पाथवे डिसीजन पूछे, तो आप डायरेक्टली इसको उनको लिख रखिएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या है कि यह तकनीक कौन सी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक जो होती है वो उन दंपतियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो बच्चे ना उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जिनके अंदर बच्चे उत्पन्न करने की और क्षमता पाई जाती है उनके अंदर, जिसमें पुरुष के वीर में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है, या सीधे सीधे कह लें कि स्त्री जो होती है वो गर्भधारण नहीं कर सकती है। ठीक है, इस तकनीक को सामान्य रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है, इस तकनीक के माध्यम से, कौन सी तकनीक के माध्यम से, टेस्ट ट्यूब बेबी वाली जो तकनीक है जिसको हम ट्यूब के माध्यम से टेस्ट ट्यूब बेबी वाली जो तकनीक है उसमें क्या होती है कि प्रयोगशाला में लैब में ले जाते हैं पत्नी के अंडाणु को, ठीक है, पति के जनरली नहीं, प्रयोगशाला में लैब में ये सारी प्रोसेस होती है, पत्नी के अंडाणु को पति के शुक्राणु के साथ निषेचित कराया जाता है तथा इसके पश्चात बने एक कोशिकीय युग्मनज को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बात क्या है कि इस प्रक्रिया के द्वारा मतलब इस प्रोसेस के द्वारा गर्भ की अवधि जैसे ही कंप्लीट हो जाती है तो स्त्री सामान्य रूप से एक सामान्य शिशु को जन्म देती है। ठीक है ना, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता क्या है। ठीक, क्या देखेंगे, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर क्या होता है, सेम कंडीशन उसमें भी यही होता है, सेम उसमें भी यही होता है क्या कि दात्री मतलब मेल से सॉरी फीमेल से अंडाणु को लेकर किसी स्त्री, ठीक है, किसी स्त्री की फैलोपियन नलिका में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। ऐसा क्या जाता है, कुछ लोगों में क्या होते हैं कि अंडोत्सर्ग की प्रोसेस नहीं होती है, मतलब उनके अंदर तो वो गर्भ धारण कर सकती हैं लेकिन जब अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो वो कैसे गर्भ धारण करेंगी। ठीक, अंडोत्सर्ग की जब प्रोसेस रहेगी, अंडे उत्पन्न करने की जब उनके अंदर क्षमता होगी तभी तो वो शुक्राणु से फर्टिलाइज होंगे, लेकिन अगर उनके अंदर इस तरह की प्रोसेस होगी गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, समस्या ये होता है कि स्त्री में जो होती गर्भ धारण
मादा से अंडाण को लेकर किसी स्त्री मतलब वही स्त्री जिसके अंदर अंडोत्सर्ग की प्रोसेस हो, किसी स्त्री के फैलोपियन नलिका में करने की प्रक्रिया GIFP कहलाता है। नाम से क्लियर है कि GIFP क्या होते हैं, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, गैमेट को किसी मादा के, ठीक है, गैमेट को किसी मादा के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहलाती है। ठीक, अब हम आगे देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपली इसको हमने बता दिया कि अब क्या जाकृति भी वही सारी चीज़ें हैं कि मेल से हम स्पर्म लेंगे, फीमेल से ओम लेंगे, फिर उसको फ्यूज कराएंगे, फ्यूजन के फलस्वरूप बने जाएगा। तो सीधे सीधे हम लिखते हैं उन्हीं चीज़ों को। ठीक है, आगे हमको क्या देखना है कि ZIFP, जेड मतलब जाइगोट, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। ZIFP ये भी पूछा जाता है कि GIFP तथा ZIFP में क्या अंतर है, एक या दो नंबर में आपके क्वेश्चन भी बन जाते हैं, या फिर पूछ लेगा कि फुल फॉर्म ही बता दीजिए, तो आप ध्यान रखिएगा। हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता क्या है। अब तो अभी आपने देख लिया कि गैमेट इंट्राफैलोपियन में क्या किया गया कि यहाँ देख लीजिएगा दाता मादा मतलब जो डोनर होगी, ठीक है, इसी से अंडाण लिया जाएगा, तभी तो वो किसी के स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा। इसलिए यहाँ दाता मादा से अंडाण को लेकर के क्या किया गया था, फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, कह रहे हैं कि अब वो एक कोष्ठीय जायगोट में क्या हो गया, वो एक कोष्ठीय भ्रूण का निर्माण कर चुकी है। ठीक है, एक कोष्ठीय भ्रूण का निर्माण क्या हुआ, हो चुका है। तो अब वो वहां हुआ क्या कि वो भ्रूण को स्त्री के फैलोपियन नलिका में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, क्या हुआ कि एक कोष्ठीय भ्रूण का निर्माण हो चुका है, उस भ्रूण को स्त्री के फैलोपियन नलिका में पहुंचा दिया जाता है, तब इसे मतलब इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। इसी नलिका को या इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, फोर्थ पॉइंट, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, क्या है कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या होते हैं, यहाँ देख लीजिएगा कि कह रहा है कि इस विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, ICSI विधि के द्वारा प्रयोगशाला में कल्चर माध्यम, कह रहे हैं कि जो लैब होते हैं वहां पे कल्चर माध्यम से अंडे के निषेचन के लिए, जो एक होते हैं उसके निषेचन के लिए एक शुक्राणु को अंडे के अंदर अंतःक्षेपित करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, अंडे के अंदर क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक
स्पर्म इंजेक्शन करते हैं, वही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, आईसीएसआई कहलाती है। या सीधे सीधे हम ये कह लेते हैं कि शुक्राणु को क्या डायरेक्टली अंडाणु में प्रवेश करा देने की, शुक्राणु को डायरेक्ट अंडाणु में प्रवेश करा देने की तकनीकी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहलाती है। ठीक है, ये सबसे आसान रहेगा, इससे बेटर है कि शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश करा देने की तकनीकी आईसीएसआई कहलाती है। ठीक, एक लास्ट आपका बचा हुआ है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। और हाँ, ये लेशन आज आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया, प्लीज आप इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट्स भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए। वैसे ही आपका विद्यालय खुलेगा तो मैं ये नहीं सुनूंगी कि मैम मेरा नोट्स कंप्लीट नहीं है, प्लीज, क्योंकि आप तो पूरी टाइम घर पे फ्री हो, पूरी तरह से सेफ फ्री हो, हम लोग तो आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत किए जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप झूठ बोलो तो वो तो गलत है ना। अब आगे बचा क्या था, आर्टिफिशियल एसिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, लास्ट आपका फिफ्थ है आर्टिफिशियल
प्रविष्ट करा दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। दाता शुक्राणु की कृत्रिम परिस्थितियों के कारण, ठीक है ना, कब
जब पति दाता शुक्राणु होंगे, देने वाले मतलब जो डोनर होंगे उनके शुक्राणुओं के से कृत्रिम परिस्थितियों के, ठीक है ना, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल परिस्थितियों में कराया जाता है, ठीक है ना। कराया जाने के बाद जो निषेचित युग्मनज होंगे वो एक कोशिकीय क्या होंगे, भ्रूण होंगे। एक कोशिकीय भ्रूण को गर्भाशय में रूपित कर दिया जाता है और गर्भावधि पूर्ण होने पे वो एक शिशु को जन्म देता है। इस प्रकार के शिशु को क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।